वालेकुम बच्चों जी कैसे हैं आप सब जी उम्मीद है आप बहुत फिट पार्ट होंगे खैरियत से होंगे हाँ जी एनर्जी पूरी है ना आप लोगों की okay. अच्छा डी होके आप किस में चेंज हो रहे हो डीकोजिशन प्रोडक्ट कौन सा है आपके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या चीज है अच्छा एल्कीन में चेंज हो रहे हो तो उसका मतलब आप तो रिएक्टिव हो रहे हो एल्कीन में तो बॉन्ड है पाए बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक होके एनर्जी दे देता है हाँ जी दैट्स द स्पिरिट प्रोडक्ट विल बी डॉक्टर जी बी पॉजिटिव हमेशा अच्छा सोचें Uh, बेटा बेंजीन जो है वो तो सेचुरेटेड है तो एसिटाइलिन ही अन है अच्छा जी तो हमने अल्काइल हैलाइड्स स्टार्ट किया था अल्काइल हैलाइड्स में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं इनमें टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी और इनकी रिएक्टिविटी की हमने बात की थी अच्छा जी अब हम स्टार्ट करेंगे इनके रिएक्शन तो पहले जो इनके रिएक्शन हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक फिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को हम एस एन रियक्शन कहते हैं मतलब इसमें हमारा क्या होगा ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड है इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा आर और एन यू का बॉन्ड बन जाएगा और हेलोजन जो है पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये होगा न्यूक्लियोफेलिकुशन यानी कि एक तो सब्सटीट्यूशन हो रही है यानी कि हेलोजन निकलेगा और उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ जाएगा तो चूंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है अच्छा बेटा वन मिनट इधर अजान हो रही है जी बेटा वन मिनट की ब्रेक है अजान हो रही है इधर जी तो इनके फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इसमें हेलोजन निकलेगा और उसकी जगह एक और ग्रुप लग जाएगा वो जो ग्रुप आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन है ये दो तरह के हैं सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय मोलिकुलर रिएक्शंस तो इनको हम कहते हैं एस एन टू रिएक्शन न्यूक्लियोफिलेक्स सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन अब इसमें हम एक ले रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइट प्राइमरी अल्काइल हेलाइट ही क्यों ले रहे हैं इसका हम जिक्र करेंगे बाद में तो ये है हमारे पास मीथाइल ब्रोमाइड इस पे हम अटैक करवा रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल 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 का नेगेटिव OH इज तो किस पे अटैक करेगा कार्बन पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हेलोजन की ज्यादा है तो हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्सल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्सल पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे तो यहां पर हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी इस इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा यहां पर कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है sp3 में तो ये एक हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो इसमें होगा क्या कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा एक ही वक्त में तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो गया है और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है और अल्टीमेट एक फाइनल स्टेज आ जाएगी कि जब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और लिविंग ग्रुप जो है वो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकल जाएगा तो ये हमारे पास जो है ना ये हमारा प्रोडक्ट आ गया तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गई अब चूंकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है बस हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आई है दरम्यान में वो बहुत शॉर्ट लिव्ड ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आई है लेकिन ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में हो रहा है और यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं यहां पर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं एक इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा इसमें हमारा अल्काइल हेलाइट है तो चूंकि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए हम इनको एस रिएक्शंस कह रहे हैं तो अगर हम इनके रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करें तो इसका मतलब है इनका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर अल्काइल हेलाइट मॉलिक्यूल पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी इसीलिए ये एस एन टू रिएक्शन है और अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें अल्काइल हेलाइट की भी कंसेंट्रेशन वन है न्यूक्लियोफाइल की भी कंसेंट्रेशन वन है तो ये सेकेंड ऑर्डर का फॉलो करेंगे इनका ऑर्डर क्या होगा सेकेंड सेकेंड ऑर्डर का फॉलो करेंगे अच्छा अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है एक ही वक्त में तो चूंकि ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा ग्रुप की ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कभी भी लिविंग ग्रुप की साइड से अटैक नहीं कर सकता न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो फिर क्या होगा तो इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो इन्वर्ट हो जाएगा मतलब पहले हेलोजन जो है वो राइट साइड पे लगा हुआ था और सारे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर थे अब क्या हुआ जब ओ OH एच लग गया न्यूक्लियोफाइल लग गया तो सारे हाइड्रोजन जो है राइट right साइड पर हो गए दूसरी तरफ हो गए और न्यूक्लियोफाइल तो अब मॉलिक्यूल इनवर्ट हो गया तो इसको हम कहते हैं इनवरियन ऑफ कंफिगुरेशन तो इसमें हमेशा हंड्रेड परसेंट इन्वरियन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी क्यों हमेशा हंड्रेड परसेंट इन्वरियन ऑफ क्यों होगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है एक ही वक्त में तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक कर सकता है कभी भी उसकी साइड से अटैक नहीं करेगा और अगर एक और बात इंपॉर्टेंट है अगर आप ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर न्यूक्लियोफाइल फाइल स्ट्रॉन्ग होगा लिविंग ग्रुप से तो ही वो अटैक कर सकता है तो ही वो उसको सब्सिट्यूट कर सकता है तो न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो हो वो स्ट्रॉन्ग हो ठीक है हेलोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो वो तो ये हमारे पास थे जी एस एन टू रिएक्शन अब एस एन टू रिएक्शन जो हैं इनको कौन फॉलो करता है प्राइमरी अल्काइल हेलाइट जो हैं वो एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और टर्श्री जो है वो इसको फॉलो नहीं करते टर्श्री अल्काइल हिलाइट्स डोंट फॉलो एस एन टू मैकेनिज्म ये बेसिकली एस एन वन को फॉलो करते हैं पहले हम जरा इसकी रीजन देख लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हिलाइट्स अभी हम मीडियम की बात करेंगे अभी हम ये सारी मीडियम की बात करेंगे अच्छा प्राइमरी अल्काइल अलकाइट में हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कि एक तो हमने मीथाइल ब्रोमाइड की एग्जाम्पल ली ये हमारे पास है जी मीथाइल ब्रोमाइड आ गया इसी तरह हमारे पास एक और अगर हम प्राइमरी की एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास इ ब्रोमाइड आ गया ये भी प्राइमरी है अच्छा अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास दो कार्बन आ जाएंगे और टर्शरी में हमारे पास तीन कार्बन आ जाएंगे ठीक है टर्शरी में हमारे पास तीन कार्बन आ जाएंगे अच्छा अब आप लोग ये बताओ कि लाइट हैं इनके अंदर ये बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं अच्छा सेकेंडरी में आए तो एक ग्रुप जो है ना वो हाइड्रोजन हो गया यानी कि एक ग्रुप जो है हमारे पास वो बल्कि नहीं है और अगर हम प्राइमरी में आ जाएं तो ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन है ये छोटे ग्रुप है सिर्फ एक ग्रुप जो है ना वो बल्कि लगा हुआ है और मीथाइल ब्रोमाइड में तो सारे ग्रुप्स ही छोटे हैं ये बल्कि ग्रुप्स नहीं है अब चूंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और लिविंग ग्रुप ने लीव करना है एक ही वक्त में तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर सकता है जहां पर उसको इनफ रूम अवेलेबल होगा जहां पर इनफ स्पेस अवेलेबल होगी तो चूंकि प्राइमरी अल्काइल हेलाइट्स में बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे हुए इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां आसानी से अटैक कर सकेगा लेकिन ये जो ट्रेशरी अल्काइल हेलाइट हैं इसमें बहुत बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं इसमें बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर स्टेरिक होगी बल्कि ग्रुप्स की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो सकता तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है टर्शरी अल्काइल हिलाइट में इसलिए टर्सरी अल्काइल हिलाइट जो है वो एस एन टू को फॉलो नहीं करते ये SN1 को फॉलो करते हैं जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी प्राइमरी में तो इसलिए प्राइमरी अल्काइल हिलाइट जो है वो एस एन टू को फॉलो करते हैं अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी जो है वो दोनों ही फॉलो करते हैं एस एन टू भी एस एन वन भी क्योंकि यहां पर सेकेंडरी में हमें नजर आ रहा है सेकेंडरी में कम से कम एक ग्रुप तो छोटा लगा हुआ है ना सेकेंडरी में कम से कम एक हाइड्रोजन लाजमी लगा होगा इतनी आसानी से ये एस टू नहीं शो करेगा लेकिन ये फिर भी एस टू शो कर सकता है ठीक है इसके लिए हमें थोड़ी कंडीशन देनी पड़ेंगी स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ेंगी सेकेंडरी जो है वो दोनों में फॉल करता है सेकेंडरी एस भी फॉलो कर लेगा एस भी फॉलो करता है अच्छा जी अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की जी अभी हम बात करेंगे ये सारी कंडीशंस की हम बात करेंगे कि कब सब्सिट्यूशन होगी कब एलिमिनेशन होगी इसके फैक्टर्स अभी हमने पढ़ने हैं अब है जी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे तो बड़े ग्रुप्स जब लगे होंगे तो स्पेस कम हो जाएगी ना वो ज्यादा जगह घेरेंगे तो आने वाले न्यूक्लियो के लिए कार्बन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा तो फिर वो अटैक नहीं कर सकेंगे तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस होती है मतलब बड़े ग्रुप्स जो हैं अलाउ नहीं करेंगे कि वो कार्बन तक पहुंच जाए न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस और इनको हम कहते हैं एस एन वन वो इनवर्ट इसलिए हुआ क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि चूंकि एस एन टू में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है एक ही वक्त में तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कभी भी लिविंग ग्रुप वाली साइड से अटैक नहीं कर सकता ंग ग्रुप वाली साइड पे कभी भी कभी भी हेलोजन जो है ना न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह पे आने नहीं देगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है ना उसको उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा इसलिए वो मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाएगा अच्छा जी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्स यूनि मोलिकुलर रिएक्शंस अच्छा ये दो स्टेप में होता है इसमें हम अल्काइल लेंगे हमारे पास है जी टर् ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है जी हमारे पास टर्श्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टू प्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन ये जो पहला स्टेप होगा ना ये हमारे पास होगा स्लो स्टेप ये दो स्टेप में होगा पहला स्टेप है जी ये स्लो स्टेप है तो पहले स्टेप में क्या होगा ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है ये पूरा हेट्रोलिटिक फिशन होगी ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकल जाएगा तो ये जो हैलोजन होगा ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकल जाएगा और चूंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया चूंकि यहां पर हेट्रोलिटिक फिशन हुई है तो यहां कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और अगेन कार्बन यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा तो ये कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा चूंकि यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बो कैटाइन तो यहां पर कार्बो कैटाइन बनेगा चूंकि यहां पर हेट्रोलिटिक फिशन हुई है हेलोजन पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकल गया तो कार्बन जो है अगेन यहां एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में आ गया प्लेनर स्ट्रक्चर में आ गया अब दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये हमारे पास कार्बो कैटाइन है ये टर्शरी का कार्बो कैटाइन है This one. अब चूंकि लिविंग ग्रुप तो निकल गया है अब न्यूक्लियो के पास दोनो चांसे हैं कि वो दोनों चांसेस कर सकते हैं क्योंकि अब अब लिविंग ग्रुप तो है नहीं एस एन टू में तो लिविंग ग्रुप मौजूद था न्यूक्लियो अटैक कर रहा था और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा था एक ही वक्त में लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर तो लिविंग ग्रुप निकल चुका है तो अब न्यूक्लियो के पास दोनों तरफ से रूम अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल अब दोनों तरफ से अटैक कर सकता है तो दैट्स वाई अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक कर रहा है तो ओ OH एच इस तरफ लग जाएगा और अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक कर रहा है तो ओ OH एच इस तरफ लग जाएगा तो अगर पहले वाली शेप बरकरार रह रही है तो उसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन तो 50 परसेंट चांस है कि कन्फिगरेशन पहले वाली होगी यानी कि शेप पहले वाली रिटेन कर गई तो फिफ्टी परसेंट कि पहले वाली ही शेप है और 50 परसेंट चांस है कि वो इनवर्ट हो गई 50 परसेंट चास्स है कि इनवरियन हो जाएगी इनवरियन ऑफ कन्फिग्रेशन अब चूंकि इसमें दोनों के चांसेस इक्वल हैं 50% चांस है कि वो इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी 50% चांस है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है अब चूंकि उस मिक्सचर में ये दोनों मौजूद होंगे 50 50% उस मिक्सचर में ये दोनों मौजूद होंगे लिहाजा इस मिक्सचर को हम कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर मिक्स रेसेमिक मिक्सचर इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर जिसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशंस 50-50 परसेंट मौजूद हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर और यह मिक्सचर जो है यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये हमने बात की थी अगर दोनों मौजूद हैं, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी दोनों मौजूद हैं कि मिक्सचर में तो वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है सॉरी ये मैंने एक्टिव लिख दिया है ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें दोनों जो हैं जो डेक्स्टो रोटेटरी होता है और जो लीवर रोटेटरी होता है वो दोनों इक्वली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो ओवरऑल ये मिक्सचर जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है अच्छा जी अब लेकिन अभी हम कार्बो कैट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं अब इसमें जो हमारा पहला पहला स्टेप है ना वो स्लो स्टेप है और जो दूसरा स्टेप है ये फास्ट स्टेप है पहला स्टेप स्लो स्टेप क्यों है और दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है ये जो हमारे पास पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है ये क्यों है और दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है जी बच्चों पहला स्टेप स्लो क्यों है और दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है जी चूंकि पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकेज जो है उसमें हमेशा टाइम लगता है बॉन्ड ब्रेकेज इज ऑलवेज स्लो और दूसरे में पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होनी है दूसरे में बॉन्ड बन रहा है तो वो हमेशा फास्ट होता है तो जो हमारा स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है तो ये जो हमारा स्लो स्टेप है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसीलिए ये एस एन वन रियक्शन है चूंकि इनका रेट इनके काइनेटिक्स जो है इनका रेट सिर्फ अलकाइट पे डिपेंड कर रहा है इनका रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर का को फॉलो करेंगे इनका ऑर्डर होगा फर्स्ट अच्छा जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं एस एन वन मैकेनिज्म को और प्राइमरी जो है वो इसको फॉलो नहीं करते और हमने बात की कि जो सेकेंडरी है वो दोनों को फॉलो करते हैं सेकेंडरी एस एन टू भी फॉलो करते हैं और एस एन वन भी नहीं हम रिएक्शन को नहीं कहते कि रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है हम उस मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं ये एस एन वन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ये जो मिक्सचर बना था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था हम उस कंपाउंड की बात करेंगे जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है हम रिएक्शन को ये नहीं कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ठीक है तो टर्शरी अलकाइट एस एन वन को फॉलो करते, है करते हैं और प्राइमरी अल्काइल हिलाइट जो है वो एस एन वन को फॉलो नहीं करते और प्राइमरी जो है वो फॉलो करते हैं एस एन टू को अब वो प्राइमरी एस एन टू को क्यों फॉलो करते हैं क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है टर्शरी जो है वो एस एन टू को फॉलो क्यों नहीं करते क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि टर्शरी अल्काइल हिलाइट एस एन वन क्यों फॉलो करते हैं अब SN1 में क्या काम हो रहा है एस एन वन में मेन क्या काम हो रहा है कि एस एन वन के अंदर पहले स्टेप में हमेशा कार्बो कैटाइन बनेगा एस एन वन रियक्शन में हमेशा पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमेशा कार्बो कैटाइन बनेगा अगर हम प्राइमरी की बात करें ये हमारे पास प्राइमरी का कार्बो कैटाइन है सी एच थ्री सी एच टू प्लस ये हमारे पास प्राइमरी का कार्बोकेटाइन है जी जी अभी हम इसकी बात करने लगे हैं प्राइमरी एल्काइल हिलाइट्स का ये प्राइमरी कार्बो कैटाइन है और ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बो कैटाइन है और ये हमारे पास टर्शरी कार्बो कैटाइन है एसन वन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन अल्काइल अलकाय लेंगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा अगर हम सेकेंडरी अल्काइल अलकायलाइट लेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और अगर हम टर्शरी लेंगे तो हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा अच्छा इसको समझने से पहले ये हमने पहले भी डिस्कस किया मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी थी उसमें भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये हमारे पास कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन तो क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चला जाता है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अब जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और जिसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करीब जा रहा है उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो क्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और ये जो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास सी एच टू इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है मिथाइल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है अच्छा जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बनता है और नेगेटिव आयन बनता है लेट से अगर मैं किसी एसिड की बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्यों क्योंकि एच को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है प्रोडक्ट में जो हमारे पास आइन्स बनते हैं उनका स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है अगर जो प्रोडक्ट में आइंस बन रहे हैं वो स्टेबल नहीं है तो वो दोबारा आपस में मिलेंगे और फिर से न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे अब एस एन वन रिएक्शन में भी कार्बोकैटाइन बन रहे हमारे पास ये जो एस एन वन रिएक्शन है इसमें कार्बो कैटाइन बन रहे तो इस कार्बोकैटाइन का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है अगर ये कार्बो कैटाइन स्टेबल नहीं होगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता तो इसका मतलब कार्बो कैटाइन को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है यानी कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने थोड़ा सा न्यूट्रल करना है उसको हमने कम करना है अच्छा हमें यह समझ आ गई कि सी एच टू का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये जो हमारे पास प्राइमरी का कार्बोकेट आइन है इसमें कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस पॉजिटिव को थोड़ा सा न्यूट्रल करेगा तो यहां पर यह पॉजिटिव थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा सेकेंडरी के केस में हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं दो मिथाइल ग्रुप इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसका पॉजिटिव थोड़ा सा और न्यूट्रल हो जाएगा ये थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगा और टर्शरी के, के केस में हमारे पास तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के साथ तो ये तीनों मिथाइल ग्रुप इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल करेंगे तो टर्शरी का कार्बो सबसे ज्यादा स्टेबल है दैट्स वाई टर्श्री अल्काइल एस एन वन मैकेजम को फॉलो करते हैं तो कार्बो की जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो क्या है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्श्री कार्बो उससे कम है सेकेंडरी कार्बो उससे कम है प्राइमरी कार्बोकेटाइन और उससे कम है जो मिथाइल का कार्बो है उससे भी कम होगा मिथाइल का कार्बोकेटाइन ठीक है बच्चों क्लियर है तो चूंकि इसमें कार्बोकेटाइन लाजिम बनना है और कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है टर्श्री का इसीलिए टर्श्री अल्काइल लाइट जो है वो एस एन वन मैकेजम को फॉलो करते हैं जी बच्चों अब टेन मिनट्स की ब्रेक है ठीक है बच्चों टेन मिनट्स की ब्रेक है नमाज ये मैंने आपको बताया है कि अगर हम प्राइमरी का कार्बो कैटाइन बनाए तो वो स्टेबल नहीं होगा इसलिए तो वो एसन वन को फॉलो नहीं करता वो एसन टू को फॉलो करेगा एस एन टू में आप जो मर्जी कंपाउंड इस्तेमाल करो हम ये नहीं कह रहे कि आपने यही कंपाउंड इस्तेमाल करने हैं एस एन वन में हम ये समझा रहे थे कि चूंकि एस एन वन में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो एक मिक्सचर की फॉर्म में होगा उसमें फिफ्टी परसेंट जो है वो रिटेंशन होगी फिफ्टी परसेंट इनवरियन होगी तो उस मिक्सचर को हम स्पेसिफिक specific, स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं है तो फिर आप तो फिर तो हम उसका जिक्र ही नहीं करेंगे बेटा इन्वरियन का ताल्लुक मैकेनिज्म के साथ है ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव के साथ नहीं है अगर एस एन टू मैकेनिज्म है तो हंड्रेड परसेंट इन्वरियन होगी अगर एस एन वन मैकेनिज्म है तो फिफ्टी परसेंट रिटेंशन होगी और फिफ्टी परसेंट इन्वरियन होगी अच्छा जी अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन लेकिन उससे पहले एस एन टू और एस एन वन का जो डिफरेंस है मेन डिफरेंसेस तो आपको पता चल गए हैं कि ये सिंगल स्टेप में होता है और ये टू स्टेप्स में होता है इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेड डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है यूनिमोलिकुलर ये यह बायोमोलिकुलर है ये यूनिमोलिकुलर है फिर इसमें सेकंड ऑर्डर का एनेटिक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर का है इसमें हमेशा जो है हंड्रेड परसेंट इन्वरियन होगी इसमें फिफ्टी परसेंट इन्वरियन है और फिफ्टी परसेंट जो है रिटेंशन है अच्छा एक और जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि जब भी हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो एस एन टू अगर पोलर होगा पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो फेवर करेगा एस एन वन मैकेनिज्म को ऐसा क्यों अगर पोलर सॉल्वेंट है यानी कि वाटर की बात हो रही है अगर पोलर सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है तो फिर एस एन वन मैकेनिज्म जो है फॉलो होगा अगर नॉन पोलर है तो एस एन टू क्योंकि जब वाटर होता है जब पोलर सॉल्वेंट होता है तो उसमें आयोनाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि एस एन वन रिएक्शन में सबसे पहले एक कार्बोकैटाइन बनना होता है और लिविंग ग्रुप ने निकलना होता है जो डिसोसिएशन है ना वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से हो जाती है ठीक है पोलर सॉल्वेंट में आयोनाइजेशन आसानी से हो जाती है तो चूंकि एस एन वन रिएक्शन में पहला स्टेप आयोनाइजेशन ही होती है इसलिए पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो एस एन वन फेवर होता है नॉन पोलर हो तो एस एन टू फेवर होता है अच्छा जी अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की एलिमिनेशन का मतलब होता है पूरा मॉलिक्यूल निकाल देना मतलब हमारे पास जैसे कि आपने पढ़ा डी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास at a time आपने हेलोजन भी निकालनी है और जैसे कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए आपने एट ए टाइम हेलोजन भी निकालनी है और हाइड्रोजन भी निकालना है और क्या क्रिएट हो जाता है डबल बॉन्ड तो इस तरह पूरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा ये हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन तो ये भी आगे दो तरह के होते हैं एक होते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि ई टू रिएक्शन और एक होते हैं ई वन रिएक्शन अच्छा जी ई टू रिएक्शन और ई वन रिएक्शन इसमें उसी तरह हम फॉलो करेंगे कि जो E2 टू है इसको प्राइमरी अल्काइल है लाइट फॉलो करेंगे E2 को कौन फॉलो करेगा प्राइमरी और E1 को कौन फॉलो करेगा टर्शरी तो E2 टू रिएक्शन में क्या होगा ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है सी एच थ्री सी एच टू बी आर ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है अच्छा इसमें बीटा कार्बन का होना बहुत जरूरी है ये जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है यह अल्फा कार्बन है अल्फा के साथ वाली कार्बन है बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है तो चूंकि इसमें हमने एलिमिनेशन करनी है तो अल्फा कार्बन से निकलेगा हेलोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन इसीलिए इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं इसमें बीटा कार्बन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने एलिमिनेशन करनी है और डबल बॉन्ड क्रिएट करना है अब ई रिएक्शंस में क्या होगा यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है एक ही वक्त में उसी तरह जिस तरह आपने एस एन टू रियक्शन में पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा एक ही वक्त में यहां पर भी ऐसा ही होगा लेकिन एक मेजर डिफरेंस है वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे ठीक है तो ये लिविंग ग्रुप जो है ये बी आर नेगेटिव ये निकल जाएगा पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहां पर हाइड्रोलिटिक फिशन होगी और यहां से ओ एच नेगेटिव ये हाइड्रोजन आइन ले लेगा ले तो यहां से हाइड्रोलिटिक फिशन होगी तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस तरह ये एलिमिनेशन होगी और एल्कीन बन जाएगी तो बी आर नेगेटिव निकल गया साथ वाटर बन गया तो ई टू रिएक्शन में क्या हो रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं लिविंग ग्रुप लीव कर रहे ही वक्त में लेकिन यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन पे जबकि एस एन टू में वो अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे तो ये एक मेजर डिफरेंस है अब चूंकि ये भी सिंगल स्टेप में हो रहा है ई टू जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है एक ही स्टेप में हो रहा है और यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसीलिए हम इनको ई टू रिएक्शन कह रहे हैं और इनका रेट डिपेंड कर रहा है अल्काइल है पे और न्यूक्लियोफाइल पे तो ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे और इसी तरह ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को फॉलो करेंगे चूंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी अब हम बात करेंगे E1 रिएक्शंस की तो E1 और SN1 का पहला स्टेप सेम स्टेप है वन रिएक्शंस में के पहले स्टेप में भी वही होगा जो SN1 के पहले स्टेप में हुआ था SN1 के पहले स्टेप में क्या हुआ था और ये भी अल्काइल हैलाइड्स इसको फॉलो करेंगे जिस तरह SN1 को टर्शरी फॉलो कर रहे हैं E1 को भी टर्शरी फॉलो करेंगे और इसमें हम एक टर्श्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो SN1 के पहले स्टेप में क्या हुआ था उसके पहले स्टेप में ये हुआ था कि लिविंग ग्रुप निकल गया था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बो कैटाइन बनेगा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो पहला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है और इसमें बना है कार्बो कैटाइन तो E1 और SN1 का पहला स्टेप सेम स्टेप है ठीक है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन किसके जो है पहला स्टेप सेम है E1 और SN1 का पहला स्टेप सेम स्टेप है अब चुके ये स्लो स्टेप है और यही रेट स्टेप है और इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसीलिए ये E1 रिएक्शंस हैं क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल इनवॉल्व है अच्छा अब ये जो था ये हमारे पास अल्फा कार्बन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इसके साथ ये तीन कार्बन अटैच्ड हैं ये तीनों बीटा कार्बन हैं इन इन तीनों कार्बन में से मैं किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सपोज करके लिखूंगा ओपन करके लिखूंगा मतलब ये हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये तीनों बीटा कार्बन हैं लेकिन इनमें से मैं सिर्फ किसी एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिखूंगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस बीटा हाइड्रोजन पे न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक करना है बीटा हाइड्रोजन पे यहां पर ये हाइट्रोलेटिक फिशन हो जाएगी ओ एच नेगेटिव हाइड्रोजन आइन लेके वाटर बन जाएगा तो ये कार्बन पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ डिवेलप कर लेगा और यहां पर यह डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो इस तरह हमारे पास ये एल्कीन बन गई दिस इज टू प्रोपीन तो ये था जी स्टेप वन है ये फास्ट स्टेप था पहला स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था दैट्स वे ये वन ई वन रिएक्शन इसीलिए क्योंकि इस, इसका जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो इनका रेट डिपेंड कर है सिर्फ अल्काइल हे पे और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे ठीक है तो ये था जी E2 और E1, उसी तरह प्राइमरी अल्काइल हिलाइट E2 को फॉलो करेंगे और टेस्टरी अल्काइल हिलाइट्स E1 को फॉलो करेंगे और सेकेंडरी अल्काइल हिलाइट्स दोनों को फॉलो करेंगे अच्छा अब हम वो फैक्टर्स पढ़ने लगे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें डिफाइन करेंगे कि होगी होगी या एलिमिनेशन हो आप कह रहे हो सर हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है अब वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्सटीट्यूशन करवाएगा या एलिमिनेशन करवाएगा क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करेंगे के न्यू के सब्सटीट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी तो अब हम मुकाबला पढ़ने लगे हैं कंपटीशन है आप दोनों के दरमियान सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन मतलब हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है तो अब वो जो है वो सब्सटीट्यूशन करवाएगा या एलिमिनेशन करवाएगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि सब्सटीट्यूशन के चांसेस ज्यादा हैं या एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं तो पहला फैक्टर है जी इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पहला इसमें फैक्टर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट अच्छा जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उस सबस्ट्रेट में उतना ज्यादा वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा हाँ जी ये बात इंपॉर्टेंट है क्राउडिंग विद इन दी मॉलिक्यूल यानी कि टर्शरी में क्राउडिंग ज्यादा होती है टर्शरी में बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं क्राउडिंग विद इन द मॉलिक्यूल फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन यानी कि अगर टर्शरी अल्काइल हे है ना तो उसमें चूंकि क्राउडिंग ज्यादा है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल आसानी से जो है वो कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता तो उस केस में एलिमिनेशन को प्रेफर किया जाएगा एलिमिनेशन जो है ना वो फेवर होगी तो टर्शरी अल्काइल है में क्राउडिंग ज्यादा है तो जब भी आप टर्शरी अलकाइट का रिएक्शन करवाओगे तो उसमें एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे सब्सिट्यूशन के कम होंगे और अगर क्राउडिंग कम होगी इसको वाइस कर लो अगर क्राउडिंग कम होगी तो सब्सटीटन को ज्यादा फेवर किया जाएगा एलिमिनेशन को कम फेवर किया जाएगा मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल है अलका इसके ऊपर मैं कोई भी जो है वो न्यूक्लियो फाइल अटैक करना चाह रहा हूं कोई भी से मैं इस ओ एच नेगेटिव अटैक करना चाह रहा हूं तो चूंकि इसमें क्राउडिंग कम है तो इसमें के चांसेस ज्यादा हैं चूंकि इसमें क्राउडिंग कम है तो इसमें सब्सिट्यूशन के चांसेस कितने परसेंट है सब्सिट्यूशन के चांसेस है एटी एट परसेंट और अगर इसकी एलिमिनेशन करवाएं तो एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो एलिमिनेशन के चांसेस हैं सिर्फ ट्वेल्व परसेंट ठीक है और अगर हमारे पास क्राउडिंग वाला मॉलिक्यूल है जैसे कि अगर हमारे पास टर्शी अल्काइल हैलाइड है तो इसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएं तो इसमें एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे इसमें जो एलिमिनेशन हो रही है एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इसमें एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं कितने परसेंट है एलिमिनेशन सिक्सटी वन परसेंट है और सब्सटीट्यूशन के कितने हो जाएंगे सिक्सटी वन में से हंड्रेड में से सिक्सटी वन माइनस कर दो तो थर्टी नाइन परसेंट चांस है कि सब्सटीट्यूशन होगी और एलिमिनेशन के चांसेस वन परसेंट अच्छा जी दूसरा फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ द बेस नेचर ऑफ़ बेस अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो है अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्देटिव है, OH है या हमारे पास ओ आर नेगेटिव है तो फिर जो है वो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को फिर किसको फेवर किया जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन को और अगर हमारे पास वीक बेस होगी यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वीक होगा वीक बेस में हमारे पास आ जाता है एक तो हेलोजन वीक बेस है दूसरा आरएस नेगेटिव वीक बेस है अगर ये होगी तो फिर फेवर किया जाएगा सब्सिट्यूशन रिएक्शन को ठीक है अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन फेवर होगा अगर वीक बेस है तो सब्सिट्यूशन फेवर होगी और तीसरा फैक्टर है जी हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट जी जितनी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होगी जितनी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होगी सॉल्वेंट विथ लेस पोलैरिटी जितनी पोलैरिटी कम होगी उतना फेवर किया जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन को और सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितना होगी ज्यादा होगी जितनी पोलैरिटी ज्यादा होती जाएगी उतना फेवर होगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अच्छा यहां पर मैं अब आप आपको एक एग्जाम्पल देखो देता हूं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है मतलब जब भी आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी हो एट ए टाइम आपने हेलोजन भी रिमूव करना है और हाइड्रोजन भी रिमूव करके आपने एलिमिनेशन करवा के डबल बॉन्ड क्रिएट करवाना है ऐसा ही है जब भी आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लेनी है करनी है यानी कि आपने एलिमिनेशन करनी है तो आप कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो इस्तेमाल करते हो तो एल्कोहलिक जो है इसकी पोलैरिटी वाटर से कम है एल्कोहलिक एल्कोहलिक की पोलैरिटी वाटर से कम है दैट्स वाई ये एलिमिनेशन करवाता है लेकिन अगर आपने सब्सटीट्यूशन करवानी है आपके पास अगर इथाइल ब्रोमाइड है और आपने इसमें सब्सटीट्यूशन करवानी है तो अब जो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे वो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो एक्वस क्या करेगा एक्वस हेलोजन निकाल के ओ OH लगा देगा तो अब सब्सटीट्यूशन होगी पोलैरिटी ज्यादा तो सब्सटीट्यूशन फेवर होगी पोलैरिटी कम तो एलिमिनेशन फेवर होगी जी बच्चों तो ये फैक्टर्स थे हमारे पास एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन ठीक है क्लियर है आप लोगों को ये था जी अल्काइल हेलाइट अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है प्राइमरी आर एक्स ट्रेटेड विथ एक्वस के ओ एच विल गिव एल्कोहल अंडर डैश मैकेनिज्म ऑप्शन है एस एन वन SN2 E2 and E1 primary RX treated with aqueous KOH will give alcohols under dash mechanism Thank you. एक तो यहां पर हमारे पास हिंट है कि ये एक्वस है इसका मतलब पोलैरिटी ज्यादा है तो सब्सिट्यूशन होगी तो एलिमिनेशन तो नहीं होगी एलिमिनेशन वाली काट दो एक्वस है तो पोलैरिटी ज्यादा है इसका मतलब को फेवर किया जाएगा एलिमिनेशन नहीं होगी अच्छा या तो ये एस एन वन होगी या एस एन टू होगी अब वो यहां पर एक और हिंट दे रहा है कि ये प्राइमरी है तो प्राइमरी है तो वो किसको फॉलो करेगा एस एन टू को सो द राइट आंसर इज बीटा next question is rx on reaction with alcohols form r o h आर ओ आर आर एक्स ओ एच आर एच नहीं बेटा टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता हाँ जी बच्चों ये एमसीक्यू जो है पास्ट पेपर का ये एमसीक्यू है ट्वेंटी का और ये आपने याद रखना है अभी हम इसकी बात भी कर लेते हैं जब भी अल्काइल हेलाइट जब भी अल्काइल हेलाइट और एल्कोहल्स आपस में मिलते हैं तो हमेशा ईथर बनता है लेट से अगर हमारे पास मीथाइल ब्रोमाइड है इसके ऊपर कोई अल्कोहल अटैक कर रही है सी टू एच फाइव ओ एच तो यहां पर अब इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा ये एथो ऑक्साइड आइन यहां पर न्यूक्लियोफाइल है हमारा एथो ऑक्साइड आइन एल्को ऑक्साइड आइन हमारा न्यूक्लियोफाइल है और एच मिल जाएगा बी आर के साथ तो गा इथर बनेगा राइट आंसर इज बेटा ये बात आपने याद रखनी है अल्काइल अल्काइट जब भी अल्कोहल्स के साथ मिलेंगे ईथर बनेगा और न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन होगा एथो ऑक्साइड आइन एथो ऑक्साइड आइन या एल्को ऑक्साइड आइन आर ओ नेगेटिव ये हमने बात की है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है आर ओ नेगेटिव एक स्ट्रोंग बेस है नहीं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बेस है वो सिर्फ हाइड्रोजन पे अटैक करती है आ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वैसे हम बेस की ये डेफिनेशन लेते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो बेस है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो सिर्फ अटैक करता है किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे लेकिन बेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है ठीक है बच्चों ये था जी अल्काइल हिलाइट्स आ, कल हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल्स एंड फिनोल्स तो अब आपकी बायो की क्लास है हाइपर कंजुगेशन जो है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट से के जैसा ही होता है हाइपर कंजुगेशन हम इंडक्टिव इफेक्ट को ही कहते हैं मैं कह रहा हूं बेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है जी कल हम बात करेंगे एल्कोहल्स में एक तो हमने पढ़ा कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है टर्सरी की उससे कम है सेकेंडरी की उससे कम है प्राइमरी की और दूसरा हमारे पास होता है कार्ब एनाइन जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कार्ब एनाइन तो कार्ब एनाइन में उल्ट हो जाता है उसमें प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और टर्शरी की सबसे कम होती है ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही अः इनशाला मिलते हैं कल एल्कोहल्स फिनोल्स के साथ तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़